Double kill! Double kill! Double kill. Double kill. Hey guys, this is Anju and welcome back to my new video. So guys, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ज्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई यार टू फिंगर का बेस्ट कस्टम एचयूडी का वीडियो लाओ, कस्टम एचयूडी का वीडियो लाओ जिसमें कि हमारे अच्छे से वन टैप पड़े, हमारा अच्छे से मूवमेंट हो, हम फास्टेस्ट प्लेयर बने, हमारा ढंग से सेटअप ग्लूवल लगे। तो काफी लोगों के कमेंट थे। सो गाइस, आपकी डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। इसमें आपको बताने वाला हूं टू फिंगर कस्टम एचयूडी बेस्ट कस्टम एचयूडी सबसे बेस्ट जो कि आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टू फिंगर का सबसे बेस्ट कस्टम एचयूडी बताने वाला हूँ। सो गाइस फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ गाइस, आपको लास्ट में एक एडवांस या बोनस ट्रिक मिलने वाली जिससे कि आप लोग के वन टैप बहुत ही तगड़े पड़ेंगे अगर उसको यूज करोगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक वॉच करना। सो फटाफट शुरू करते हैं आपका बिना टाइम गवाए। तो गाइस अभी मैं जाता हूँ कस्टम एचयूडी में। तो यहाँ पर जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हो सेंसिटिविटी है, कंट्रोल एचयूडी है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ टू फिंगर का बेस्ट कस्टम एचयूडी जिससे कि आप लोग बहुत ही ओपी तरीके से खेल पाओगे। तो देखो ये है मेरा प्रीसेट वन। तो अभी मैं आपको प्रीसेट टू में जाकर समझाता हूँ मेरा कस्टम एचयूडी की मेरा कस्टम एचयूडी क्या है, मैं कैसे खेलता हूँ, कैसे इतने अच्छे वन टैप मारता हूँ और कैसे मैं एक फास्टेस्ट प्लेयर हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये एक है न्यू जो डिफॉल्ट कस्टम एचयूडी है। एंड अगर आप लोग डिफॉल्ट पर खेलते हो तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं खेल पाओगे, क्योंकि ये जो आप लोग देख सकते हो गन का बटन कितना छोटा है, फायर बटन कितना छोटा है, उसके बाद ये जंप का बटन कितना छोटा है, स्प्रिंट टैंक का बटन भी बहुत ही छोटा है, तो इस पर तो आप बिल्कुल भी खेल नहीं पाओगे। तो गाइस आपको अपनी कस्टम एचयूडी तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग देख सकते हो ये है मेरा गाइस मतलब प्रीसेट वन में जो कि मेरा प्रॉपरली सेंसिटिविटी है, मतलब कस्टम एचयूडी है। एंड इसमें बहुत ही तगड़े हेडशॉट पड़ते हैं, बहुत ही ओपी सा मूवमेंट होता है जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो अभी मैं आपको प्रीसेट टू में करके दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है आप लोगों के लिए बेस्ट कस्टम एचयूडी। तो देखो गाइस सबसे पहले हमारी मेन चीज आती है फायर बटन। फायर बटन सबसे मेन चीज़ है कि कहाँ पर सेट करना है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ मैं सेट करवाता हूँ। तो देखो इन सब चीज़ों को इधर से थोड़ा सा हटा दो, इस तरफ कर दो, और फायर बटन को यहाँ पर ये जो बक्सा दिख रहा है इसके आसपास यहाँ पर आपको सेट करना है। एकदम ध्यान से आप लोग देख लो क्योंकि आपका भी ऐसा ही दिखता है। एंड इसका साइज को आपको कर देना है 50 या 60 कर देना है, ठीक है, इतना साइज कर दो। सबसे बेस्ट साइज है आप लोग देखो बक्से के ऊपर सेट करना है एकदम प्रॉपरली। अब अपने फायर बटन को सेट करने के बाद अपने जंप बटन को छेड़ना है और उनको उसको कहाँ रखना है। कुछ लोग गाइस देखो बड़ा करते हैं और यहाँ पर रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर रखते हैं। तो गाइस मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर रखो। इसके बाद जब भी आप लोग जंप करके ऐसे आपसे रोटेशन करोगे अपनी स्क्रीन को बहुत ही ईजिली हो जाएगा। एंड आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर रखने वाला, ठीक है। बाकी कुछ लोग यहाँ पर रखते हैं तो कोई दिक्कत ना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मेरे हिसाब से यहाँ पर ठीक रहेगा। उसके बाद इन सबको हटा दो यहाँ से और जो आपकी स्किन है मतलब गन की, इसको सबसे बड़ा नहीं तो कम से कम 70 तो कर ही लो। 70 करने के बाद इधर सेट कर लो। अब देखो गन और इसका डिस्टेंस बहुत ही कम है तो आपको फायर करने और गन स्विच करने में, फास्टेस्ट बनने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अभी बात करते हैं गाइज यहाँ पर बैठने वाला बटन। तो बैठने वाला बटन को बड़ा करो एंड जस्ट इसको हटा लो क्योंकि ये जो प्रोन वाला बटन है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपको यहाँ पर ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो गाइज इसको आपसे हटा लो और जो ये बटन है इसको यहाँ पर जस्ट नीचे सेट कर लो, फायर बटन के जस्ट नीचे। आपको सेटअप ग्लूवल लगाने में इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। अभी बात करते हैं मेन चीज ग्लूवल। तो देखो ग्लूवल बटन इतना छोटा होता है और इतने छोटे में तो भाई किसी से ग्लूवल नहीं लगता है, कई बार मिस भी हो जाता है तो एनिमी आपको कुत्ते की मौत मार के चला जाएगा। तो इसको कर देना है पूरा बड़ा, जितना हो सके उतना बड़ा, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना ठीक है, मैं तो इतना रखता हूँ, मेरा बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पर करने के बाद आपको ये सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो लेफ्ट फायर बटन है उसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं तो गाइस फिलहाल इसको नीचे रखता हूँ, यहाँ पर देखो मेरे हिसाब से मेरे को यहाँ पर कंफर्टेबल लगता है, आप मेरा सेंसिटिविटी भी देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, आप मेडिकेट वगैरह आप लोग यहाँ पर रख सकते हो कोने में, या फिर मेडिकेट आप इधर सेट कर सकते हो जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है स्प्रिंटिंग बटन, इसको कि गाइस जस्ट ग्लूवॉल के थोड़ा सा ऊपर रखो। ये हो गया हमारा बेसिक सा। अब देखो मेन चीज़ है गाइस, आप स्काइलर चलाते हो, आलोक चलाते हो, तो वो कहाँ पर रखना है आपको। देखो आप इसको या तो यहाँ पर रख सकते हो फायर बटन के नीचे इतना छोटा, ठीक है, या फिर आप लोग गन बटन के पास में रख सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, अब मैं अपने प्रीसेट वन में जाकर आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे मेरा सेंसिटिविटी है, कैसे सेटिंग है। देखो सब लोग आप लोग देख सकते हो कि मैंने कैसे सेट कर रखा है, मैं सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंसी हाई करके दिखा रहा हूँ। और देखो गन स्विचिंग बटन भी आपको रखना है जो कि फायर बटन के नीचे रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अभी देखो मेरे को यहाँ पर क्या हेल्प मिलती है इन चीज़ों में, ठीक है। तो देखो मेरा ये इतना बड़ा था, देखो जब भी मैं फायर करता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं फायर करता हूँ ऐसे रोटेशन कर
करके, तो देखो यहाँ पर मेरे को स्पेस मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा फायर ड्रैग करने के लिए, जिससे कि मेरा वन टेप पड़ता है। अब कुछ लोग एकदम नीचे कर लेते हैं अपने फायर बटन को, तो उनको रोटेशन करने में यहाँ पर स्पेस नहीं मिलता है, अगर वो रोटेशन करते तो उनका नहीं होता है और वन टेप नहीं पड़ता। तो परफेक्ट लोकेशन है, यहाँ पर रखो अपने फायर बटन को, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद गाइस ये देख सकते हो आप लोग, मतलब जो जंप वाला है, जंप वाला मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो मैं जैसे जंप करके इधर करता हूँ, ठीक है, जंप करके मैं इधर करता हूँ अपने स्क्रीन को, तो मेरा जंप स्क्रीन भी घूम जाता है, जंप भी हो जाता है, तो बहुत ही साथ साथ हो जाता है वो दोनों की दोनों चीज़ें। तो आई होप कि गाइस मैंने आपको जो कस्टम एचडी बताया आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको ट्रेनिंग में जाकर दिखाता हूँ कि मैं कैसे वन टेप मारता हूँ। सो गाइस देखो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा मूवमेंट वगैरह कैसे मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, एकदम मेरा परफेक्टली हो रहा है, मैं कहीं पर भी नहीं अटक रहा हूँ, ठीक है गाइस। देखो तो गाइस ऐसे आप लोग भी मूवमेंट कर सकते हो। अब मैं वन टेप मार के भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। देखो मेरे प्रॉपरली वन टेप पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यही ट्रिक है गाइस कि ये बेस्ट सेंसिटिविटी आपका होने वाला है एकदम, मतलब टू फिंगर के लिए, ठीक है। इससे बेस्ट सेंसिटिविटी आपका कोई हो ही नहीं सकता गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर गाइस आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग क्या करते हैं गाइस, देखो जॉयस्टिक मूव करके अगर आप वन टेप का ट्राई करते हो तो बहुत ही रियर चांस है कि आपका वन टेप पड़े, ठीक है ना। तो आपको जब भी वन टेप मारो तो जॉयस्टिक को रिमूव मैंने छोड़ देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं जॉयस्टिक को छोड़ के जब भी फायर कर रहा हूँ, जॉयस्टिक को छोड़ के कर रहा हूँ, तो मेरा वन टेप बहुत ही इजीली पड़ रहा है, देखो पूरा रेड पड़ रहा है, ठीक है ना। सो गाइस आई होप कि मैंने जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी मैं आपको दिखाता था मेन चीज जो कि होने वाला अपना सेंसिटिविटी। तो गाइस यहां पर देखो मैं जा रहा हूं अपनी सेंसिटिविटी में, और देखो अगर आपको वन टेप मारना है तो सबसे बेस्ट सेंसिटिविटी है रेड डॉट को आप एक बार जीरो करो, आपके वन टेप पड़ते हैं या फिर नहीं आप मुझे बताना। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप वापस कर सकते हो 100, ठीक है ना। तो मैं तो यहाँ पर जीरो सेंसिटिविटी रख रहा हूँ, तो मेरे वन टेप पड़ रहे हैं रेड डॉट। एक बार आप लोग ट्राई करना जीरो सेंसिटिविटी रख के, आपके वन टेप पड़ रहे हैं यानी।